हाँ रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुई है। मैं वापस से ये वाली चीजें वापस से बोल देता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। दिस कुक क्रोट वोल्टेज डबलर मल्टीप्लायर सर्किट, इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, दैट इज मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज डीसी, मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज डीसी। ऑल्सो इट इज सिमिलर टू वोल्टेज डबलर सर्किट, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू वोल्टेज डबलर सर्किट। इफ यू लुक एट द वोल्टेज डबलर what I have told that there are lot of drawbacks in voltage doubler circuits. Okay, what are the drawbacks? It requires more and more for the voltage doubler circuit. We need a lot of isolation transformers. Okay, there are lot of input supplies also there. So in order to isolate, we require 1:1 ratio of the transformer. Also this isolation of transformer is not economical. Okay, system is getting अब सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। सो देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वेंशनल वोल्टेज सर्किट, वोल्टेज डबलर सर्किट। सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज वी विल गोइंग फॉर वन मोर टाइप ऑफ वोल्टेज डबलर सर्किट, दैट इज नोन एज कुक क्रॉफ वोल्टन टाइप वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, वी विल कॉल इट एज CCW। नाउ प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज AC इनपुट, वी आर गिविंग AC इनपुट हियर। ए वॉट डायोड्स D1, D2, D3, दिस इज D3 हियर, दिस इज D4। Okay, and let me complete this. We have got one more capacitor here. This capacitor here, and one diode. मतलब ये infinite number तक अपन लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा अपना C2n-1। दिस कैपेसिटर इज C2n-1, दिस वन। ओके, एंड दिस इज C2n, एंड व्हाट अबाउट दिस डायोड, दिस इज D2n, एंड हियर आल्सो वी हैव गॉट वन, दिस इज D2n-1। Okay, now we will complete the circuit. We'll put a load RL here. Let's open RC circuit. This is RL. Please draw. The first one we are having. First one we are having here. Input transformer. We are having the step up transformer that we can observe here. This is the step up transformer where we are giving this input supply, input AC supply. Okay, बना रहे हो डायग्राम आपको? ये बना लिया? सर बना रहे हैं। बना रहे हैं ना, वो ऊपर वाला जो क्या लिखा है, जो अपना डायोड है ना, वो D2n-1 है और उससे सबसे D2n है minus one. First one is the input transformer, and we are having the step-up transformer. So then there are different stages. Then there are different stages. Stage one. This is stage one. Which one? ये जो pen का stage. ये जो box बने, this is stage number one. Okay. This is stage number two. स्टेज नंबर वन, स्टेज नंबर टू, स्टेज नंबर थ्री, ऐसे करके वी आर हैविंग द लोड। ओके, लाइक वाइज वी आर हैविंग द लोड, सो यू आर एबल टू गेट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, सो वी कैन कलेक्ट द वोल्टेज अक्रॉस लोड। सो हियर लोड कंज्यूम्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट, लोड विल कंज्यूम वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट। ओके, और वेरी लेस मतलब कितना करेगा भाई, दैट विल कंज्यूम इन मिली एम्पियर्स। ओके, द लोड करंट रिक्वायरमेंट विल बी वेरी लेस देन ए मिली एम्पियर। नाउ लेट अस सी हाउ डज इट ऑपरेट, दिस इज लोड। ओके, लेट अस सी हाउ डज इट ऑपरेट। ओके, सो इट इज हैविंग टू हाफ साइकल्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। During positive half cycle, let's see what are the observations we can observe here. During
during positive half cycle, wait. During positive half cycle, diode D1, this diode D1, यार ये बहुत light color हो गया. Diode D1, then this diode D3, okay, and this D2N-1 are getting conductive, or getting operated, right, during the positive half cycle. Diode D1, then this diode D1, then diode this D3, and this D2N-1. Here it is, D2N-1. बहुत हौशपोश हो गया ये वाला डायग्राम तुम लोगों ने बना लिया था ना? यस सर, पर वो ऊपर का थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. ऊपर वाला वो मैंने बताया ना, वो D2N-1 है और D2N है. ऊपर वाला मैं डायग्राम तुम लोगों को सिर्फ ऊपर वाला सेगमेंट यहाँ पे बना देता हूँ, उसके नीचे है ना, उसको ऊपर बना लेना, यहाँ पे बना देता हूँ. ये एन, ये कैपेसिटर यहाँ लगा था ऊपर में, C2N-1. अरे यार बंद क्यों नहीं रहा, एन तो चल रहा है सही से. ऊपर वाला सेगमेंट यहाँ बना दूं, दिख रहा है ना, एक ये डायोड था अपना D2N और एक ये कैपेसिटर अपन ने लगाया था C2N-1 और इससे एक डायोड जो था D2N-1, ओके, और एक ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा था साथ में C2N और एक ये डायोड, ये वाली लाइन यहाँ पर है, ठीक है, ये ऊपर वाला सेगमेंट, राइट अमित, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, हो गया. ओके, ठीक है. तो अब मैंने क्या बताया आपको, इट इज हैविंग टू हाफ साइकल्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकल, डायोड D1, D3 एंड D2N-1 आर गेटिंग ऑपरेटेड, ओके, सेम same during the negative half cycle, okay, following observations were made. What are the following observations? Diode D2 D4, okay, diode D2 D4 diode and which diode, D2N are getting operated, okay, or conducting, they are getting operated or conducting, so that we are getting DC output across the load terminal. Or the load current hai apna, the load current requirement or the load consumes very less amount of current, less than milliampere. So the input will be approximately, how much? That will be approximately 500 volt. 500 likha hai, 500 volt. If you give 500 volt input, it is possible to generate almost 50 kV to 100 kV, depends on the voltage requirement, it is possible to connect number of stages, as many as stages you can connect in this, okay, you can connect as many as stages. And if you are giving the input voltage as 50 volt, then it is possible to generate 50 kV. है ना, देखो आप 500 volt का input दो आप और 50 kV का, 50,000 volt to 100,000 volt. Okay, जितना अपन को voltage का requirement है उतना अपन लोग generate कर सकते हैं. And ये जैसे अपन ने अलग अलग stages बनाई ना, एक ही stages यहाँ पे बनाई थी, अलग अलग stage जो बनाई, we can add number of stages अपने requirement के हिसाब से. We can connect n number of stages. Okay, so this is the specialty of this
CCW, Cook-Croft voltage multiplier circuit, Volten voltage multiplier circuit. So input, if you can go for the pulse generator, if you can go for the pulse generator for old days, we use the pulse generator or either transformers. Okay, we use pulse generator or transformers we are using. Okay, for the input sake. So this is the way how this CCW is getting operated. So hope you understand how you can compare a CCW with the help of conventional voltage doubler circuit. You can compare the CCW, this Cook-Croft voltage multiplier circuit, with conventional voltage doubler circuit. So how does it operate during positive or negative half cycle, and what are the speciality of this Cook-Croft Volten voltage multiplier circuit? Okay, now let's see the performance and parameters of this CCW. Iski speciality to pata chali gayi na, input mein apan 500 denge, then in the load side what we are getting, we'll get 50 kV to 100 kV of DC voltage. Okay, so now let's move on to the performance parameter of the CCW. Let us see how to calculate the parameters of CCW. How to calculate the parameters of CCW? It is very simple. First, performance parameter of this output voltage we are going to calculate. That means how the voltage across by what means the voltage is coming across the load. How do you calculate the voltage across the load? That we can see in the output voltage. That we can see for the output voltage. Okay. इतना समझ में आया, इतना लिखा आप लोगों ने? चार ही लोग हैं क्लास में. शिरिन, बनाया तुमने? यस सर. ओके, अभी अपन को इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करना है. सभी लोग ध्यान से सुन, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा, है ना? और निकाल लेते हैं ना आउटपुट वोल्टेज को. अपन कैसे डिनोट करते हैं? वी नोट से डिनोट कर दो इसको. आउटपुट वोल्टेज को we can denote V naught. It is given by that will be given by 2n V max. That is given 2n V max, where n is the number of stages. N jo hai, that is number of stages. V max is what? Maximum value of input voltage. Okay, so this is the way we can calculate the output voltage. This is the formula for calculating output voltage. No need to go in the derivation. You can straight away go for the formula. So 2n output voltage is given by 2n V max, right? Now second one is ripple voltage. What do you mean by ripple voltage? Ripple voltage. What is ripple voltage? Ripple voltage is nothing but this delta V, presence of AC conductor in the DC output. That is known as AC conduct in the DC output. That is known as the ripple voltage. Presence of AC voltage at the DC output voltage side. Okay, presence of AC voltage at the DC output voltage side. So we can easily calculate the ripple voltage by using the formula delta V, that is equal to N of I1 upon FC. N is equal to number of stages, and I1 is the load current. F is what? F is the supply and C is the value of capacitance. C is the value of capacitance, right? So these are the two main parameters, like output voltage and ripple voltage parameters. If you have written, then let's change the page. And next ripple voltage. Third, calculate the total ripple voltage. अभी अपने ripple voltage देखा. Now we have to calculate total ripple voltage. Total ripple voltage. That is delta V total. Total ripple voltage. So total ripple voltage is delta V.
delta can be easily calculated by given by the formula I. Layer delta V total is equal to I1 upon FC. Mathematical equation ho jayegi n of 1 by 2. This is the equation final formula for total voltage. Okay, total ripple. Please write down this. That what we have to calculate the percentage ripple that is given by ripple voltage upon total voltage into 100. Percentage ripple is given by ripple voltage into total voltage upon. That is given by ripple voltage upon total voltage into 100. That will be equal to what is ripple voltage? Delta V upon 2n V max into 100. So we will be getting the percentage of ripple. ओके okay, अभी एक पांचवा फॉर्मूला भी है, पांचवा भी है, छठा भी है, देखते हैं अपन क्या है ना. वोल्टेज रेगुलेशन अपन को कैलकुलेट करना रहेगा. वोल्टेज रेगुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली. तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. परसेंटेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल वोल्टेज इनटू 100. वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय द टोटल वोल्टेज इनटू 100. व्हाट इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप बाय टोटल वोल्टेज इनटू 100. दैट इज इक्वल टू व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप. वी हैव वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा वी 2n v max into 100%. Okay, we will be getting the voltage regulation in terms of percentage. Then how we are going to calculate this voltage drop, delta V? Delta V can be easily calculated by using the formula, which is the formula for calculating delta V, that is I upon FC. This I is the load current, F is the frequency, C is the capacitance. Ye malum hi apan ko na, I kya hai jo apna. This is load current. और एफ क्या हो गया अपना फ्रीक्वेंसी, और सी जो है दिस इज कैपेसिटेंस. ओके, सो डेल्टा वी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय आई अपॉन एफ सी 2/3 एन क्यू प्लस एन स्क्वायर बाय 2 माइनस एन बाय 6. दिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा वी फॉर कैलकुलेटिंग द वोल्टेज रेगुलेशन. द वैल्यू शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. Should be as minimum as possible. Okay, percentage voltage regulation means more performance. Percentage voltage regulation, what does it mean? More performance. So have you written all this equation? Then we'll go for the sixth equation. लिखा भाई आप लोगों ने? श्री महक, अमित सर, यस सर, कोई क्लास में. ठीक है. ये भाई फॉर्मूले ये सब इसलिए क्योंकि अब आगे कोई न्यूमेरिकल वगैरह करवाया अपन ने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भेज रहा आप लोग. फॉर्मूले में वो सारी वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. ओके, सो नाउ सिक्स वन इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेजेस. Sixth one is optimum number of stages. Okay, so we can write this n optimum. Okay, how to select the optimum number in general? So n op
an optimum can you can write set number of stages with minimum voltage drop. With minimum voltage drop, this side you can select the exact number of stages with minimum voltage drop. With minimum voltage drop, we can select n number of stages with minimum voltage drop. So what can be the formula? N opt will be equal to under root of V max FC divided by I. Okay, standard formula where V max is the maximum input voltage. This V max is the maximum input voltage. V max is the maximum input voltage. F is the frequency here. F is the frequency here, and C is the capacitance. I is the load current. So this is the way you can select optimum number of stages. Optimum number of stages, right? For CCW. So in terms of numericals, it will be very helpful. And please note down all this formula. Please note down all the formula. And let's see. पेज पलट पुराना पेज तो नहीं कर रहे हैं सेशन कितनी देर का हो गया है ओके सो लिख लिया ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेजेस वाला फॉर्मूला ठीक है ना अब अपन अपना जो था क्या बोलते हैं जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ये यहाँ पे खत्म हो जाता है जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज डीसी तो यहाँ पर खत्म होते हैं क्या क्या किया अपन ने इसमें जनरेशन में डीसी के जनरेशन में अपन ने कौन कौन सी चीजें करी है हाई वोल्टेज डीसी के जनरेशन में है ना पहला तो अपन ने रेक्टिफायर देखा था बाय यूजिंग रेक्टिफायर और तीन टाइप के रेक्टिफायर हो गए अपने हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर और वोल्टेज जनरेटर रेक्टिफायर सेकंड मेथड अपन ने देख लिया था वेंडेग्राफ जनरेटर ओके वेंडेग्राफ जनरेटर किसी को अगर अच्छे से ध्यान हो तो ये आएगा ही आएगा एग्जाम में लगा दो और ये सीसीडब्ल्यू भी आएगा रेक्टिफायर टाइप की चीज भले ही ना आए बट ये वेंडेग्राफ जनरेटर और ये सीसीडब्ल्यू ये तो आने ही आना है एग्जाम के अंदर कंफर्म है ये या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर इसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा ठीक तो अभी अपन सेकंड मेथड वाज वेंडेग्राफ जनरेटर एंड दैट वाज मेनली यूज फॉर द पार्टिकल एक्सीलरेशन और एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या था उसका भाई दैट वाज न्यूक्लियर फिजिक्स आवाज आ रही ना मेरी यस सर यस सर ओके थर्ड वन वाज अभी आज थर्ड वन देख लिया अपन ने तीसरा था थर्ड वन वाज कुकरॉफ्ट वोल्टेज कुकरॉफ वोल्टन वोल्टेज मल्टीप्लायर डीसी जनरेटर सेट और उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेज यू कैन जनरेट एचवीएसी ओह सॉरी एचवीडीसी राइट ये तीनों मेथड हो गए अपने नाउ नाउ लेट्स गो फॉर द हाई वोल्टेज जनरेशन ऑफ हाई अल्टरनेटिंग करेंट So what was the first method for generation of high alternating current? What we have discussed? मैंने उसमें लिखवाया था तुम लोगों को कि मैं करवाऊंगा समरी में था generation of high voltage, high alternating voltage. बताइए भाई कैस्केड ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन बोला था मैंने कैस्केड ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन फॉर द जनरेशन ऑफ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज अच्छा टेल मी व्हाई कैस्केड ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हाई कैस्केड कनेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हाई कैस्केड कनेक्शन इज रिक्वायर्ड सर एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है इसलिए स्टेप में हाई वोल्टेज जनरेट होता है कौन बोल रहा है ये सागर तुम बोल रहे हो क्या एक मिनट यस सर तुमने कब ज्वाइन किया थोड़ा सर थोड़ा लेट सिंगल यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मर We require single unit of transformer. Single unit of transformer is more than sufficient. But if you want to go for more than 300 kV, if you want to go for more than 300 kV, अगर इससे ऊपर जाना होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? हाँ,
एसी सिंगल ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज़ वी नीड आएगी, क्योंकि ज्यादा जनरेशन करेंगे एसी का तो इंसुलेशन अपन को बढ़ानी पड़ेगी. एंड इफ यू वांट टू प्रोवाइड मोर इंसुलेशन, दिस इज नॉट इकोनॉमिकली फेवरेबल. सो सच केसेस इट इज बेटर टू गो फॉर कैस्केड कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. राइट नाउ सी व्हाट इज द, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द कैस्केड कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. कैस्केड कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट द कनेक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन सीरीज. Series fashion, so that is called cascading of transformer. So if you know if the elements are connected in series, voltage will be added up or multiplied. Ya divide ho jata, batao chalo. If you are connecting certain elements in series, voltage ke saath kya hoga? Aur current ke saath kya hoga? Batao. Bhai koi element uthaye apne series mein lagana hai apne ko. तो वोल्टेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, याद रखें हमेशा. आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर. ओके, सो इफ द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टेज विल बी एडेड अप एंड करंट विल बी रिमेनिंग द सेम. करंट विल रिमेन्स द सेम. सो व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? वी रिक्वायर हाई वोल्टेज एसी. सो वोल्टेज विल बी एडेड अप इन सीरीज फैशन और सीरीज कनेक्शन. Our requirement is high voltage AC, na? So voltage will be added up. So this was the brief introduction for this high voltage AC generation. और इसका जो अपन इसके अंदर बिल्कुल घुस के जाएंगे, है ना, कि सर्किट डायग्राम बनाया अपन ने, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसको सीरीज में लगाना, ठीक है, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज को ऐड करना. तो ये सब अपन अगली क्लास में करेंगे. राइट, टाइम भी हो गया, अभी ख़त्म करें फिर. आज के सारे फॉर्मूलाज और ये CCW का डायग्राम, है ना, जितने भी लोगों ने अभी यहाँ पर किया है, बनाया है, मतलब चार लोग थे प्रेजेंट उस टाइम पे, तो चारों लोग पोस्ट कर दो चैट बॉक्स में, पोस्ट करो अभी. और छह लोगों की अटेंडेंस लगा देता हूँ मैं चैट बॉक्स में, पोस्ट करें. सर पीछे वाला पेज एक मिनट कर देंगे क्या? हाँ हाँ कर देंगे.